गुड मॉर्निंग, दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं हम क्लास 7 के नेक्स्ट चैप्टर 5 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स की। इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में स्टार्टिंग करते हैं इसकी चैप्टर की। एसिड्स एंड बेसिस एलिमेंट्स, आपको इस नोटबुक इस वीडियो के अंदर अपने कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, ओनली आपको रीड करना है, ठीक है। एसिड एंड बेसिस एलिमेंट्स कंबाइन विद वन अनोदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अबाउट 3 मिलियन कंपाउंड्स आर नोन टिल डेट। आज तक लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख कंपाउंड्स की खोज की जा चुकी है या बनाए जा चुके हैं। दीज कंपाउंड्स मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज सच एज कलर, टेस्ट, सोलिबिलिटी एंड केमिकल बिहेवियर। इनको हम इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स इन टू एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स वॉज प्रीमरली बेस्ड ऑन दियर टेस्ट। शुरुआत में सबसे पहले जो कंपाउंड क्लासिफिकेशन किया गया एसिड, बेस और साल्ट में, वो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग किया गया। एंड एक्शन ऑन सर्टेन सब्सटेंसेस, और कुछ सब्सटेंसेज पर किस तरह से एक्शन करते हैं, वो किस तरह से कलर चेंज करते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया एसिड या बेस। ऑल एसिड्स हैव सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज इन कॉमन। सभी एसिड जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या मान ली गई, कॉमन मान ली गई कि सभी एसिड जो है कॉमन प्रॉपर्टी के होते हैं। ऑल दो देयर मे बी वाइड डिफरेंसेज अमॉन्ग दैम, हालांकि उनमें बहुत सारे डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन पहले क्या मानते थे, सबको एक ही प्रॉपर्टी का मानते थे कि एसिड एक जैसे होते हैं, बेस एक जैसे होते हैं। सिमिलरली द ग्रुप्स ऑफ बेसिस एंड साल्ट्स ऑल्सो शेयर सिमिलरिटीज। इसी तरह से जो बेस और साल्ट होते हैं वो भी सिमिलरिटीज लिए होते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे पता लगाते हैं। The सोर substances found in nature और prepared artificially are called acids। जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको बोलते हैं एसिड्स, ठीक है। The chemical nature of acids is called acidic nature। इनकी जो chemical nature कहलाती है वो acidic nature कहलाती है। The term acid has been derived from the Latin word acidus। जो एसिड टर्म है इसको एसिडस लैटिन वर्ड है जिससे लिया गया है। एसिडस का मतलब होता है विच मीन्स सोर, जिसका मतलब होता है खट्टा। ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव सोर टेस्ट। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, एंड हैंस आर एसिडिक सब्सटेंस, और इसलिए वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक सब्सटेंस कहलाते हैं। द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द सिट्रिक एसिड। लेमन का खट्टापन जो होता है किसके कारण होता है, सिट्रिक एसिड के कारण। द सॉल्ट टेस्ट ऑफ ग्रेप्स एंड टैमरिंड इज ड्यू टू टार्ट्रिक एसिड। अंगूर का और इमली का जो खट्टापन होता है टार्ट्रिक एसिड के कारण। एंड दैट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू एसिटिक एसिड, और विनेगर का खट्टापन होता है एसिटिक एसिड के कारण। फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ ब्राउन आंट। जो लाल कलर की चींटी होती है उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। द शार्प पेन कॉज्ड बाय द स्टिंग ऑफ ब्राउन आंट्स, और उनके काटने से हमारे जो है सार पेन यानी तेज़ दर्द होता है। नेटल्स एंड बीज, इस तरह से कुछ मधुमक्खी वगैरह अगर खा जाए तो उनमें भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे हमारे काटने पर, उनके काटने पर जलन होती है, वो हमारे काट जाती है तो हमारी स्किन में जलन होती है। इससे विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, और सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे जो फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। दी एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स से ऑप्टेन किए जाते हैं कॉमनली आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स, उनको हम नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। दी नेचुरल एसिड्स आर वीक एसिड, जो नेचुरल एसिड्स होते हैं वीक होते हैं। मैनी ऑफ आवर फूड आइटम्स कंटेन सच वीक एसिड्स इन वेराइटी इन वेराइंग अमाउंट्स। हमारे जो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं उनमें ये जो वीक एसिड हैं यानी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग क्वांटिटी में। कौन कौन से देखिए एसिड,
जैसे टेबल बना रखे हैं यहाँ पे, ऑरेंज में और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, ग्रेप्स, टैमरिंड, गूजबेरीज, इनमें टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में एस्कॉर्बिक एसिड, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, एप्पल्स में मैलिक एसिड और प्रोटीन में एमिनो एसिड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये सारे क्या हैं? वीक एसिड्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए डेफिनेशन ऑफ मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड क्या होते हैं? दी एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनको इनऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन नहीं किए जाते, इनको बनाए जाते हैं, इसलिए मिनरल एसिड्स हैं। एग्जाम्पल मिनरल एसिड कौन कौन से? देखिए मिनरल एसिड, जैसे कि मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड आर सम कॉमनली यूज्ड मिनरल एसिड्स। ये सब मिनरल एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। मिनरल एसिड्स इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू यानी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, इनको फर्टिलाइजर बनाने में, इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने में, कुछ एक्सप्लोसिव बनाने में, डाइज एंड पिगमेंट्स, कुछ रंग और पिगमेंट बनाने में इनको यूज में लिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग टाइल्स, वाश बेसिन एंड टॉयलेट एटसेट्रा। इसको हम क्लीनिंग टाइल्स यानी टाइल साफ करने में, वाश बेसिन साफ करने में, टॉयलेट साफ करने में इसको यूज में लेते हैं। इसमें देखिए डू यू नो में, मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव एंड कॉज स्किन बर्न्स। मिनरल एसिड्स के कारण स्किन बर्न यानी स्किन जलने का खतरा होता है। देयर फॉर दीज एसिड्स पर्टिकुलरली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी हैंडल्ड विद केयर। ये क्या होते हैं? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं, ठीक है, जिनको हम केयरफुली हैंडल करते हैं, यानी बहुत सावधानी से यूज में लेते हैं इनको। दीज एसिड्स शुड नेवर बी टच्ड एंड टेस्टेड, इनको ना तो हमको टच करना चाहिए ना हमको टेस्ट करना चाहिए। इफ़ रिक्वायर्ड यूज ओनली वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द एसिड, अगर हमको ज़रूरत हो तो हमको बहुत डायल्यूट एसिड को यूज में लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेसेज की। दी सब्सटेंसेज लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन एटसेट्रा हैव ए बिटर टेस्ट, इनका स्वाद कड़वा होता है। एज दीज सब्सटेंसेज डू नॉट हैव ए सॉल्ट टेस्ट, क्योंकि ये स्वाद में खट्टे नहीं होते, देयरफॉर दे आर नॉट एसिड्स, इसलिए ये एसिड नहीं है, क्या है? बेस है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू फील सोप सॉल्यूशन, अगर हम सोप सॉल्यूशन को फील करते हैं और बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को फील करते हैं हमारे फिंगर से, तो हमको कैसे लगते हैं? स्लिपरी, चिकने लगते हैं। दी सब्सटेंसेज विच हैव ए बिटर टेस्ट, जिनका स्वाद बिटर यानी कड़वा होता है, एंड फील स्लिपरी और सोपी टच यानी चिकने लगते हैं, आर नोन एज बेसेज, उनको हम बेस बोलते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज सेड टू बी बेसिक, इनकी जो नेचर होती है कैसी होती है? बेसिक होती है। देखिए कौन कौन से बेस हैं और किस किस में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH का फॉर्मूला होता है, सोप में पाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लिक्विड सोप में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्ट वाइज लाइम वाटर में पाया जाता है, चूने के पानी में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हॉल्ट वाइज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसको एसिडिटी में यूज में लिया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH विंडो क्लीनर सॉल्यूशन, जो कांच की सफाई करते हैं विंडो वगैरह की, उनमें पाया जाता है। तो ये कुछ बेसेज हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की, तब तक के लिए इसको रीड करके रीड करते रहिए और समझते रहिए।